नमस्कार, मैं संजीव चौबे और आप देख रहे हैं इंडी न्यूज़। अभी हम मौजूद हैं पूर्वी चंपारण के ढाका विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ हो रही क्वारंटीन सेंटर में अनियमितताओं को देखते हुए जो बदहाली है क्वारंटीन सेंटर की यहाँ पे, उसके खिलाफ ढाका के विधायक फैसल रहमान जी ने एक धरना दिया है। क्या कुछ उनकी मांगे हैं, क्या कुछ है उनसे, आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये नौबत आई क्यों। आइए फैसल जी, आखिर ये नौबत क्यों आ गई? देखिए, हमारे जो मजदूर थे जो दूसरे स्टेट में काम कर रहे थे, बेचारे बहुत मुश्किल से उनको अपने घर वापसी हुई, लेकिन जो सरकार का एक ये हुआ कि 14 दिन तक क्वारंटाइन करना पड़ेगा, उसके बाद ही घर जाना है, तो लोगों को स्कूल में जगह मुहैया कराया गया। बताइए, स्कूल में रहने के लिए उसके नहीं कोई बेडशीट, नहीं कोई चादर, नहीं कोई तकिया, नहीं कंघी, न लैट्रिन का व्यवस्था, न शुद्ध पानी पीने का व्यवस्था, न बिजली का व्यवस्था, न कोई पंखा का व्यवस्था। अंधेरे में भेड़ बकरी की तरह उसको ले आके बंद कर दिया गया और नहीं उसके खाने की व्यवस्था की गई। हमने कई बार जिलाधिकारी से लेकर सभी पदाधिकारियों से हमने बात किया, उन्होंने आश्वासन देते रहे कि आज हो जाएगी, कल से शुरू हो जाएगी, थोड़ा लेट हो गया, कल हो जाएगी। उसके बावजूद मैंने नहीं कुछ कर पाया, तो मैंने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखा। उसके बावजूद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो हमने ये निर्णय लिया कि हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे अनिश्चितकालीन, जब तक हमारे लोगों को सारी व्यवस्था मुहैया नहीं कराई जाएगी, जब तक हम लोग धरना पर बैठे रहे। रहमान साहब, एक चीज़ बताएं कि ये जो बदहाली है क्वारंटीन सेंटर में, आपके ज़िले में, आपके विधानसभा में भी है, बघा से भी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, वहाँ भी ये चीज़ें हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप चूँकि उनके सरकार के पार्टी के नहीं हैं, इसलिए आपके क्षेत्र के साथ थोड़ी ज़्यादा? देखिए, जैसे कि हमको जैसे जानकारी मिली है कि बगल में चिरैया है, पताही है, जो बीजेपी के विधायक हैं, वहाँ व्यवस्था अच्छी तरीके से चल रहे हैं। और हमारे क्षेत्र में जो ये भी हो सकता है कि हम सत्ताधारी पार्टी के विधायक नहीं हैं, जिसके कारण हमारे साथ नाइंसाफ़ी की जा रही हो, हमारे लोगों के साथ गलत ये किया जा रहा हो कि विधायक इसमें बदनाम हो, कि विधायक नहीं कुछ कर पा रहे हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन ऐसे सरकार को दोहरी नीति नहीं रखनी चाहिए। बिहार की जनता जो भी सरकार सत्ता में रहती है, उसके भी मुख्यमंत्री वही होते हैं, जो वोट देता है नहीं देता उसके भी मुख्यमंत्री वही होते हैं। ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा सोच है तो बिल्कुल निंदनीय है, ऐसा सोच किसी भी सरकार की उचित नहीं है। ये धरना कब तक बना रहेगा? जब तक यहाँ के क्वारंटीन सेंटरों पर सारी व्यवस्था जो सरकार का है, वो जब तक सारी व्यवस्था पूरी नहीं होगा, जब तक ये धरना चलता रहेगा। नीतीश जी बराबर ये कह रहे हैं कि बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा है, एक दिन में एक क्वारंटीन सेंटर के एक सदस्य के लिए 2,000 से 3,000 तक खर्च हो रहा है। कितना पैसा आपके हिसाब से खर्च हो पा रहा है उसमें से एक व्यक्ति पे? हमको तो नहीं लगता है कि सिर्फ चावल दाल सुबह, जहाँ 2-3 जगह चल रहे हैं, हमारे क्षेत्र में ऐसा नहीं है कि पूरे सेंटर खाली है, लेकिन नगर परिषद में 2-3-4 सेंटर जो है वहाँ चल रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं चावल दाल सब्जी रात में, चावल दाल सब्जी दिन में जब मन करे तब, सुबह शाम चाय, इसके अलावा कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं उसके लिए सोने के लिए कोई बेडशीट का व्यवस्था किया गया है, उसके नहाने के लिए चापाकल का व्यवस्था है, नहीं उसके पानी पीने के लिए अच्छा शुद्ध पानी का व्यवस्था है। तो हम कैसे मान लेंगे कि इतना पैसा, सब मिली जुली यहाँ से लेकर ऊपर से लेकर नीचे तक, ये सब इसको आपदा के पैसा को बंदरबाट करना चाहता है, घोटाला करना चाहता है। आप क्षेत्र के विधायक हैं, लोगों को उम्मीदें हैं आपसे, आपके स्तर पे क्या कुछ सुधार किया जा रहा है, कितना मदद हो पा रहा है आपके क्षेत्र की जनता को? देखिए, हम अपने स्तर से पूरे इलाके को सैनिटाइज कराया और जितने भी सेंटर खुले हैं, जो हमसे बंद पड़ा है, कहीं नाश्ते के लिए कुछ भी, चाहे कहीं बाहर से लोग आ रहे हैं, उसके लिए गाड़ी का व्यवस्था, मैं दूरों से ही रात में बैठा हूँ, पूरी रात लोगों को यहाँ से पहुँचवाया हूँ। कुछ लोग आए हैं, खाने की व्यवस्था नहीं है, तो जो भी बंद पड़ा है खिलवाए हैं। बाथरूम के लिए, चाहे वहाँ मच्छरबत्ती के लिए लोगों ने कहा, जो जो डिमांड हमसे किया है, हम लोग वहाँ पूरा करने का काम किया है। जो मज़दूरों के साथ दिक्कत हो रही है, जो तस्वीरें आ रही हैं हाईवे से, आप भी देख रहे होंगे, सारे लोग देख रहे हैं, क्या लगता है कितना असर पड़ेगा नीतीश जी पे और उनकी सरकार पे आने वाले दिनों में? देखिए, जो भी बाहर हमारे मजदूर थे या स्टूडेंट थे, वो सब कोई समझ गए हैं ये ढोंगी निकम्मी सरकार के बारे में, सब कोई जान गया है। सिर्फ कहने के कथनी के अलावा करनी इनका कुछ नहीं है, ये करना नहीं चाहते हैं, इनके पास कुछ है ही नहीं। डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन में भी इन लोग की आपसी पटरी नहीं, इसके कारण इनके पास कुछ है नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास बिहार में कुछ बचा ही नहीं है,
कि कुछ कर पाएंगे, और कुछ चाहते भी हैं तो नकेल कसने वाले मोदी जी बैठे हुए हैं, वो कस के इनको औकात में रखते हैं कि औकात में रहो, ज़्यादा आगे मत बढ़ो। फैसल जी, आपसे अंतिम सवाल कि जब पक्ष इस तरह से जनता के साथ धोखा करती है तो आम जनता हमेशा विपक्ष की तरफ देखती है, आए दिनों ये मीडिया में आता है, आप लोगों को भी मिलता ही होगा ये सूचना, नेता प्रतिपक्ष हमेशा आपदा के समय में बिहार से बाहर रहते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अब जब भी कोई आपदा होता है तो हम अपने क्षेत्र में आ जाते हैं, ये संयोग है, कहीं बाहर गए होंगे, लॉकडाउन में फंस गए होंगे जिसके कारण उनको आने में तकलीफ है। लॉकडाउन में तो कोई नहीं आ सकता था, नहीं कोई उनको आने में दिक्कत तो सर नहीं होनी चाहिए कभी भी कहीं भी। क्यों, जब एक विधायक अगर चला गया तो उस पर इतनी बड़ी कार्रवाई हो सकती है? हम लोग को पटना जाना है, मीटिंग है, तो हम लोग को परमिशन लेके जाना पड़ रहा है। विधायक पे, बीजेपी विधायक पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, पदाधिकारी पे हुई ना, पदाधिकारी पे हुई, क्यों हुआ? आखिर कहीं ना कहीं विधायक को परमिशन दिया तब तो कार्रवाई, गलत किया तभी ना किया। तो इसलिए हमारे नेता गलत नहीं करना चाहते हैं, वे जब उनको सुरक्षित महसूस हुए कि अब हमको जा सकते हैं, अब बिहार हमको जाना चाहिए, जाने की कोई लग तो थी ही, लेकिन मजबूरी थी कि वो नहीं आ सकते थे, लॉकडाउन का पालन करते थे, हम लोग सरकार के नियमों का पालन करते हैं, उल्लंघन नहीं करते हैं।